सीकर में आरटीओ में सहायक लेखाधिकारी पद से रिटायर शैतान सिंह कविया ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम मिसाल कायम की है। शैतान सिंह पिछड़े तबके के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कचरा बीनने और भीख मांगने वाले बच्चों का न केवल स्कूल में दाखिला करवाया बल्कि अपने बूते पर 3 महिला शिक्षिकाओं की भी व्यवस्था की है। इस स्कूल में 80 से ज्यादा ऐसे बच्चे अध्ययनरत हैं और 300 से ज्यादा बच्चे शिक्षा का लाभ उठाकर उच्च शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। मैं 5 साल से यहाँ इस स्कूल में पढ़ाती हूँ और ये पहले बच्चे अपने घर घर से जाके लेके आते थे। 5 साल हो गया, अभी भी बच्चों को कई बच्चे आते हैं, कई नहीं आते तो घर पे जाकर लेके आना पड़ता है। और ये जैसे सब सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। ये यहाँ के ही हैं, कच्ची बस्ती के, जगह जगह झोपड़ी है इनकी, ये टाट पट्टी से बना के रहती हैं, उसमें से जाके लेके आते हैं। 5 साल से इनको, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे, आज 5वीं हो गया, कोई 7वीं हो गया, कोई 8वीं हो गया। और अभी भी कई बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी हैं यहाँ, फिर कम से कम 500 के करीब है। लेकिन अब ये कई बच्चे देखो कितने सुधर गए, अच्छे लगने लगते ही नहीं है कि कच्ची बस्ती के बच्चे हैं। हम 9 बजे स्कूल आते हैं और 1 बजे छुट्टी होती है। हमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान सब कुछ पढ़ाते हैं और हम मन लगा के पढ़ते हैं। पहले हम ये कचरा वचरा चुकते थे, अब स्कूल आते हैं। 3-4 बच्चे आते हैं, हम बहन भाई पुलिस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम 9 बजे आते हैं, फिर हम पढ़ के 1 बजे जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, पढ़ाई करना अच्छा लगता है यहाँ पे। 7th, 6-7 साल हो गए, कचरा ये चुक रहे थे। कैसा लगता है आपको पढ़ना? अच्छा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे आगे से भविष्य में काम आएगी, इसीलिए हम यहाँ पे रोज पढ़ने के लिए आते हैं। हमारे परिवार के बहन भाई और सभी आते हैं पढ़ने के लिए।